लखनऊ की एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक साल बाद आज फिर चर्चा में है। मुद्दा अब भी वही है जो तब था, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन एग्जाम। दरअसल एकेटीयू ने दिसंबर और जनवरी के महीने में ऑफलाइन एग्जाम कराने का फैसला किया है, लेकिन इससे ज्यादातर स्टूडेंट्स निराश दिखाई दिए। क्या है स्टूडेंट्स के तर्क, दूसरी तरफ इस पर क्या है एकेटीयू का कहना, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं निधि तनेजा और आप देख रहे हैं न्यूज तक, जो आपके असल एकेटीयू यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए 28 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 के बीच और सेमेस्टर्स के लिए रेगुलर और कैरी ओवर एग्जाम्स कराने वाला है, लेकिन ये एग्जाम्स होंगे ऑफलाइन मोड में, यानी स्टूडेंट्स को फिजिकली एग्जाम सेंटर्स पर जाकर ये एग्जाम देने होंगे। आपको याद होगा पिछले साल कोरोना महामारी के चलते ये ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन एग्जाम्स का मुद्दा गर्माया था। आज भी स्टूडेंट्स का यही कहना है कि कोरोना महामारी तो थमी ही नहीं, साथ ही ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने साथ एक नया खतरा लेकर आया है। आपको डिटेल में बताते हैं क्या है स्टूडेंट्स के तर्क। पहला तर्क देते हुए स्टूडेंट्स ने कहा कि अब तक ज्यादातर कॉलेजेस में पूरी तरह सिलेबस ही कवर नहीं हो पाया है, तो एग्जाम्स कैसे होंगे। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि कॉलेजेस सिलेबस पूरा करने के चक्कर में अनरियलिस्टिक स्पीड से इंटरनल एग्जाम्स रैप अप करने में लगे हैं। इसके अलावा कहा गया कि फार्मा थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलें ज्यादा हैं, क्योंकि उन्हें 45 दिन का मैंडेटरी हॉस्पिटल ट्रेनिंग मैनेज करना होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के एकेटीयू पर कुछ आरोप भी हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि एकेटीयू का आंसर शीट इवैल्यूएशन सिर्फ एक गैम्बल है, जहां एक तरफ कुछ स्टूडेंट्स को अपने अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के टोटल से भी ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे स्टूडेंट्स की बैकलॉग आ जाती है जो 90% पेपर सही सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ने कहा कि जब पिछले सेमेस्टर में एमसीक्यू फॉर्मेट में ऑनलाइन एग्जाम कराए गए थे, तो स्टूडेंट्स को पहली बार वो इवैल्यूएशन फेयर लगा था। स्टूडेंट्स ने कहा कि जो फरवरी में ऑफलाइन एग्जाम हुए, तब भी कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे। स्टूडेंट्स ने यह भी तर्क दिया कि बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स दूसरी स्टेट से आते हैं, उन्हें एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचने के लिए काफी ट्रैवल करना पड़ेगा, और अगर इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर आने से लॉकडाउन लगता है तो फिर वो स्टूडेंट्स फंस जाएंगे। तो यह मुख्य बात आपको समझ आ गई होगी कि स्टूडेंट्स ऑफलाइन यानी फिजिकली जाकर ये परीक्षाएं देना नहीं चाहते। स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में कराए जाएं, क्योंकि वो इस मोड को सेफ और फेयर दोनों मानते हैं। आपको बता दें इस मामले को ट्विटर पर बढ़ चढ़ कर उठाया गया। स्टूडेंट्स और सोशल मीडिया यूजर्स की कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं। एक स्टूडेंट ने लिखा, ऑफलाइन एग्जाम देकर हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। दूसरे यूजर ने लिखा कि जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो परीक्षा किस लिए ली जा रही है। एक और छात्र ने लिखा कि हम चाहते हैं परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराई जाएं, जिससे छात्रों को दूसरे सेंटर पर ना जाना पड़े। साथ ही उन्होंने कोविड के नए रूप ओमिक्रॉन के खतरे की बात भी कही। वहीं बात करें एकेटीयू की, तो यूनिवर्सिटी ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम्स कराना चाहती है। वाइस चांसलर विनीत कंसल का कहना है कि स्थिति पर उनकी नजर बनी हुई है, हालांकि अभी के हालात को देखते हुए एग्जाम ऑफलाइन मोड में होंगे, स्टूडेंट्स को इसके लिए प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम देने हैं। आपको बता दें देश भर में स्कूल्स और कॉलेजेस मार्च 2020 में कोरोना महामारी की दस्तक के साथ बंद हुए थे। उसके बाद फेस रीओपनिंग की कई कोशिशें हुई, बीच बीच में इन्हें रीओपन किया गया, लेकिन पहले सेकेंड वेव और अब ओमिक्रॉन के खतरे के बीच हर जगह पूर्ण रूप से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं खुल पाए हैं। इसी बीच कई यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन मोड या हाइब्रिड मोड ऑफर कर रही है, और अब एकेटीयू से भी स्टूडेंट्स की यही मांग है। आपको ये वीडियो